Hi guys, how are you all? I hope you all are doing great. And अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड कभी कभी ट्रैवल से रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ. एंड यस, सो सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर अब आप मेरे चैनल पे आ ही गए हो तो. एंड आज की वीडियो जो है वो होने वाली है सारी की सारी मेरी जो है परफ्यूम्स कलेक्शन. एंड ये रही मेरी सारी कलेक्शन. एंड इसमें परफ्यूम्स भी है और बॉडी मिस्ट भी है जैसे कि आप देख सकते हो. सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट. तो गाइज ये जो मेरी कलेक्शन है ये अभी कंप्लीट नहीं है बिकॉज इसमें इसे काफ़ी परफ्यूम्स है जो कि मेरे ख़त्म हो गए थे एंड मैंने अभी तक रिस्टॉक भी नहीं करे हैं. सो अभी मेरे पास फॉर नाउ जो भी मेरे पास अवेलेबल है मैं आपको सारे का सारा वन बाय वन दिखाती हूँ. सो या फर्स्टली स्टार्टिंग विद बॉडी मिस्ट. पहले मैं बॉडी मिस्ट ही आपको दिखाती हूँ बिकॉज बॉडी मिस्ट मेरे पास दो तीन ही है तो पहले वो फटाफट मैं कवर कर लेती हूँ देन मैं फिर परफ्यूम्स पे आऊँगी. एंड पहला जो मेरे पास बॉडी मिस्ट है ये है कार्लटन लंदन का. मेरे से ढंग से प्रोनाउंस नहीं होता ब्रांड का नेम तो मैं गलत भी बोलूँ तो डोंट माइंड. हाँ एंड मुझे जहाँ तक याद है ये जो मुझे आया था कोलैबोरेशन में इनकी मेरे को कोलैबोरेशन आई थी तो उन्होंने मुझे प्रॉपर हैम्पर भेजा था उसमें ये बॉडी मिस्ट था और एक परफ्यूम था जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी. सो ये जो है 250 ml है एंड इसका मैं आपको बता देती हूँ. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू इसके जो भी फ्रेग्रेंस नोट्स होंगे वो मैं सारी जो है स्क्रीन पर डाल दूंगी क्योंकि मैं इतनी प्रो तो हूँ नहीं कि मेरे को सारे परफ्यूम्स की नॉलेज है उसमें क्या है क्या नहीं है तो इतना मेरे को डिटेल में पता नहीं है कुछ भी. सो देखकर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी उसके तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं खुद ही आप पढ़ सकते हो क्या है. अदरवाइज आप इनका जिनका भी मैं मतलब परफ्यूम का जो मेरे को लिंक मिलेगा मैं वो सारा डाल दूंगी या फिर आप गूगल में चेक करके आप वहाँ से चेक कर सकते हो इसके नोट्स एंड ऑल. एंड येस कमिंग बैक तो मैं बता रही थी आपको कि ये जो है 250 ml का है एंड इसका जो है सेंट जो है बहुत ही फ्लोरल और फ्रूटी सा है एंड काफ़ी स्पार्कलिंग सा है. लाइक काफ़ी आप इसको डे टाइम में यूज़ कर सकते हो ये काफ़ी रिफ्रेशिंग सा है बट ऑनेस्टली मेरे को जो है ये पर्सनली पसंद नहीं आया था क्योंकि पता नहीं ये बहुत माइल्ड सा है तो मेरे को ये अच्छा नहीं लगा था. बट अगर आपको फ्लोरल फ्रूटी और रिफ्रेशिंग परफ्यूम्स पसंद है तो यू कैन गो फॉर इट. इतना भी बुरा नहीं है बट मैं अपना ओपिनियन बता रही थी. एंड आपको ये जो है मिंत्रा में अमेजोन में सारी जगह मिल जाएगा. इट कॉस्ट 1500 एंड अगर सेल चली हो अमेजोन या मिंत्रा में तो आप वहाँ पे और भी कम प्राइस में इसको बाय कर सकते हो. इट्स अप टू यू बट सीरियसली मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को इसका समझ में नहीं आया इसका फ्रेग्रेंस इसका सेंट क्या है और इसको लगाकर मुझे कैसा फील हो रहा है तो मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सा है तो यस ज़्यादा मैं इसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगी. बट यस अगर आप इससे ट्राई करना चाहते हो तो मैं आपको बता देती हूँ ये जो है कार्लटन लंदन का लाइका ड्रीम है. ये लाइका ड्रीम बॉडी मिस्ट है सो यू कैन चेक इट आउट. मैं लिंक्स सारे प्रोवाइड कर दूंगी जो मेरे को मिलते हैं जिनके लिंक्स मेरे पास होंगे तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी सो यू कैन चेक देम आउट. एंड दूसरा बॉडी मिस्ट जो मेरे पास है वो है विक्टोरिया सीक्रेट का कोकोनट ग्रेनिटा. एंड नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोकोनट एसेंस होगा और इसको थोड़ा मैं स्प्रे करती हूँ. सो गाइज ये जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें जो है वनीला की खुशबू आती है इससे लाइक वनीला और लिली तो काफ़ी ज़्यादा ये भी फ्रूटी सा इसका जो है सेंट है और काफ़ी सूदिंग सा है बहुत ही मतलब फ्रेश सा है
एंड मेरी कज़न जो है ये दुबई से लेकर आई थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था तो मैंने रख लिया था ये. सो गिफ्ट ही हुआ एक तरह का. एंड येस, और जो ये विक्टोरिया सीक्रेट के परफ्यूम्स होते हैं वो मोस्टली ज़्यादातर लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, एंड ये भी 2-3 आवर्स से ज़्यादा स्टे नहीं करता, एंड काफ़ी ज़्यादा लाइट मिस है ये. एंड काफ़ी, अगर आप जैसे इसको अप्लाई करो ना तो आपको फील भी नहीं होगा कि हाँ कुछ आपने लगाया भी है या नहीं लगाया है. बहुत ही रिफ्रेशिंग सा है, काफ़ी मतलब अच्छा फील होता है इसको लगाकर, तो इसलिए मुझे तो बहुत पसंद है ये. ये भी जो है 250 ml का है, एंड जो विक्टोरिया सीक्रेट के बॉडी मिस्ट जो होते हैं वो 3000 की रेंज में आ जाते हैं, तो थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव रहता है कि 3000 एक बॉडी मिस्ट पे इन्वेस्ट करना. तो आप अमेजोन में आप चेक कर सकते हो, कई बार सेल में जो है ये 50-60% ऑफ में मिल जाता है आराम से, इजीली. तो या यू कैन चेक देयर, एंड वहाँ से आप बाय कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि हाँ जब ये 3000 का है तो 3000 का ही लेना है, तो ऑफ़र का वेट करो तो आप ले सकते हो. एंड ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मैं आपको बोल रही हूँ कि नहीं यही वाला लेना है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ट्राई कर सकते हो. और अगर या फिर आप कहीं बाहर जाओ, वैसे ये क्या कहते हैं, ये जो ब्रांड है अब इंडिया में भी अवेलेबल है, पहले नहीं था. एंड इससे पहले ये होता था कि हाँ लोग बाहर से मंगवा लेते थे, तो आप भी ऐसे कुछ कर सकते हो, आपके कोई नोन में वो बाहर जा रहा है तो उससे वहाँ से मंगवा लिया. वहाँ बाहर तो फिर भी ये कम प्राइस पे अवेलेबल होते हैं. एंड या फिर आप खुद भी बाहर जाओ घूमने फिरने या कहीं अब्रॉड जाओ तो आप वहाँ से ले सकते हो. सो येस, एंड बट ऑनेस्टली जो है मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा लगा नहीं, अच्छा लगता है मुझे ये बॉडी मिस्ट. तो येस, सो थर्ड मिस्ट जो मेरे पास है वो भी है विक्टोरिया सीक्रेट का. ये है वनीला स्पार्कल, एंड सेम वही 250 ml की बॉटल है, एंड सेम प्राइस है इसका भी 3000 की रेंज में. एंड येस, और ये जो है ये परफ्यूम, सॉरी मिस्ट, इतना मतलब मैं बार बार कंफ्यूज हो रही हूँ परफ्यूम मिस्ट, तो आप भी कंफ्यूज मत होना मेरे साथ. एंड ये जो है मेरी फ्रेंड के पास था, तो मुझे जो है इसकी फ्रेगनेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो मुझे था कि बस मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए. तो फिर मैंने कैसे भी करके ऑर्डर करा, एंड येस यहाँ पे है ये. सो मैं आपको बाकी इसका बताती हूँ. इसका तो यार मतलब बहुत ही अच्छी इसकी सेंट है, क्या बताऊँ मैं, मतलब बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू है. थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है इसकी जो फ्रेगनेंस, बट जो है मुझे फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. एंड बिल्कुल काफ़ी फ्रॉस्टिंग सा इसका सेंट है और स्पार्कलिंग है, जैसे कि नेम से ही आपको पता चल गया होगा वनीला स्पार्कल. एंड ऑब्वियसली इसमें वनीला का एसेंस है, एंड मोस्टली इसमें ऐसा लगता है कि बेरीज की और वनीला की खुशबू है. एंड यही नहीं, इसमें जो है ऐसा लगता है कि फ्रेशली जो बेक केक होता है उसकी उस बिल्कुल उसकी ही जैसी फ्रेगनेंस है इसकी. एंड जैसे रेड वेलवेट केक हो गया, मेरे को उसकी और उसकी फ्रेगनेंस दोनों हद तक, स्मेल जो है दोनों एक हद तक सिमिलर लगी. सो मुझे ये लगा, और काफ़ी ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट है. मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, इतना मैं एक्सपर्ट हूँ नहीं इन सब चीज़ों में, तो मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर बता भी नहीं पा रही. बट ये कि हाँ ये जो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग है ये, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग भी है और ये जो है 4-5 hours स्टे करता है. एंड बार बार आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 4-5 hours तो काफ़ी चल जाता है यार, क्योंकि बॉडी मिस्ट इतना स्टे करते ही नहीं है तो इस करके. एंड ये एवरीडे वेयर तो नहीं हो सकता बिकॉज, क्योंकि थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ये, बट आप कर भी सकते हो जो मतलब स्ट्रॉन्ग कैरी कर सकते हैं. सो ऐसा कुछ ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ हर दिन आप नहीं यूज़ कर सकते हो. बट फॉर मी, मैं जो है इसको ओकेजनली यूज़ करती हूँ. लाइक मैंने इसके ज़्यादा नहीं, मतलब 5-6 pumps यूज़ किए होने, क्योंकि मैंने ये अभी नया नया ही लिया था. तो येस, एंड
बस कब खत्म होगा ये, जैसे ही खत्म होगा वैसे ही ये रिस्टॉक होगा। इसको तो मैं बार बार मतलब जब तक मेरी पॉकेट लॉ करेगी तो तब तक मैं इसको रिस्टॉक करूंगी। इसके बाद मेरा जो है लास्ट मिस्ट है वो है विक्टोरिया सीक्रेट क्या बोल रही हूँ मैं, वो भी है विक्टोरिया सीक्रेट का और ये है ब्राइट पाम। एंड आप देख सकते हो बिल्कुल ये ख़त्म होने की कगार में है, इसमें बस बहुत थोड़ा सा ही रह गया है। मुझे था फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी खुशबू है। और ये जो है मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट करी है मुझे, ये भी वो दुबई से ही लेकर आए थे। सो यस, एंड इसका जो है ना इसमें एप्रिकॉट और कोकोनट के एसेंस है एंड काफ़ी मतलब सिडक्टिव सी इसकी सेंट है और काफ़ी मतलब रोमांटिक सी ना। तो लाइक कभी डेट वेट पे जाना हो तो यू कैन गो फॉर इट। एंड इसको फटाफट से अप्लाई कर दिया और आप बस बहुत अच्छे से बहुत ही प्लीजिंग सी आपसे फ्रेग्रेंस आ रही है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। सो यस दिस वन। और इसका भी आई गेस प्राइस जो है सेम होगा 2900 to 3000 समथिंग, आप चेक कर लेना। सो गाइज बॉडी मिस्ट तो शुरू होते ही ख़त्म हो गए एंड अब हम बढ़ते हैं परफ्यूम्स की तरफ। सो यस, जो फर्स्ट परफ्यूम है वो है बर्बरी का ब्लश परफ्यूम एंड दिस इज माय फेवरेट, कितनी बार फेवरेट बोलूँ। और मतलब सबसे पहले तभी मैंने आपको ये वाला परफ्यूम दिखाया है एंड इसकी जो है पैकेजिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगी। लाइक दूर से ही पता चल रहा है, आपको देखने से भी आपको भी अच्छी लग रही होगी इसकी पैकेजिंग। एंड ये जो है 90 ml की बॉटल है एंड इसका प्राइस आपको राउंड अबाउट 8000 to 8500 होगा लगभग। सो गाइज ये दिखाती हूँ मैं आपको, इसका जो है ना ये थोड़ा सा टूट गया है और मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ इस चीज़ का। एंड ये मैंने बहुत यूज़ करा है, बहुत यूज़ करने पे भी मतलब इतना ही ख़त्म हुआ है अभी तक, हाफ भी नहीं हुई है बॉटल। तो मतलब इसकी जो फ्रेग्रेंस तो मैं इसको डिफाइन ही नहीं कर पाऊँगी कि मतलब मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, इतनी ज़्यादा अच्छी कि लाइक आई हैव नो वर्ड। लाइक बहुत ही ज़्यादा ओवर पावरिंग सी है और इसका जो है फ्लोरल सेंट है तो मतलब काफ़ी अच्छी है ना, मतलब मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। बस ये है कि इसको मैं अप्लाई करके काफ़ी ज़्यादा हैप्पी और रिलैक्स फील करती हूँ। बहुत ही इसकी प्यारी सी, बहुत प्लीजिंग सी इसकी फ्रेग्रेंस है। लाइक मतलब बहुत ही अच्छी, आप इसको डेली भी आप वेयर कर सकते हो बट मेरे लिए तो लाइक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये, तो डेली तो मैं वेयर नहीं करती, तो कभी कभी वाला ही हिसाब है। तो यस, और ये भी जो है मुझे गिफ्ट मिला था एंड मेरे फ्रेंड ने ही गिफ्ट करा था मुझे ये, तो एक तो गिफ्ट भी है तो करके थोड़े मैं इसको कंजूसी से यूज़ करती हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत तो ख़त्म हो ही गया है बट ये टूट गया है तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। सो यस, नेक्स्ट परफ्यूम है मेरे पास, दिस इज फ्रॉम डियोर एंड इसका नेम है मिस डियोर एंड इसकी भी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। इसका भी जो है सेंट वो फ्लोरल और फ्रूटी है और काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है एंड ये ऑब्वियसली बहुत ही लाइट है। एंड मैंने जो है ये 5-6 months पहले ही बाय करा था तो अराउंड इतना ही मेरे को 9000 समथिंग इतना ही पड़ा था इसका भी मेरे को प्राइस आई गेस, हाँ नायका से। तो काफ़ी मतलब लाइक मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इस पर मैंने इन्वेस्ट करके मतलब वर्थ इट था ये मेरे लिए, ठीक है। तो यस, और
जब भी मैं इसको अप्लाई करती हूँ ना, मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, ट्रस्ट मी. एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील करती हूँ. और मतलब इसकी यार, इसकी फ्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग है. मतलब ऐसे इसको अगर ऐसे सूंघूँ ना मैं, तो ऐसा लगता है कि सूंघती रहूँ. ऐसा सेम विद बर्बरी है ना. तो मतलब इसकी भी काफ़ी अच्छी है. इसकी जो खुशबू थोड़ी रोज़ और रोज़ वुड जैसी है, एंड जैसे रोज़ पेटल से आती है, तो वैसी है थोड़ी बहुत. एंड काफ़ी लाइट परफ्यूम है ये, और काफ़ी अच्छा है डेली वेयर के लिए, तो बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है. बट स्टिल फिर ये वही एक्सपेंसिव चला जाता है, तो करके तो एक्सपेंसिव चीज़ें तो कम कम ही यूज़ करती हूँ मैं. एंड ऑब्वियसली सारी करते हैं, कम ही यूज़ करते हैं. एंड इसकी भी जो है पैकेजिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी. सेम इसकी बर्बरी वाली और इसकी सेम ही पैकेजिंग है, मतलब ऑलमोस्ट. एंड ये जो है 50 ml की बॉटल है, एंड इसमें आपको और भी बॉटल्स मिल जाएंगी डिफरेंट ml में. एंड काफ़ी इसका जो रेंज है ये है 9700. मुझे जो है मोस्टली फ्रूटी और फ्लोरल परफ्यूम्स ही पसंद आते हैं, एंड लाइट परफ्यूम्स. बट कभी कभी कई बार कुछ मेरे पास ऐसे परफ्यूम्स भी है जो स्ट्रॉन्ग है, तो वो भी मुझे पसंद आते हैं, और मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं. तो अब इसके बाद मैं आपको अपना नेक्स्ट परफ्यूम दिखाती हूँ, दैट इज़ पॉइजन गर्ल. और अभी ये पूरी इसकी ब्लैक बॉटल है, और बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी प्रीटी सी बॉटल है इसकी, तो नेम दिख नहीं रहा. एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम डियोर. एंड ये भी मैंने, ये और मिस डियोर मैंने जो है दोनों साथ ही परचेज करा था 5-6 months पहले, एंड इतना पैसा लगा है मेरा इनमें. सो बस क्या कहते हैं, इसकी भी जो है खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी नेचुरल सा और चॉकलेटी और थोड़ा बहुत सेडक्टिव सा इसका सेंट है, और मतलब काफ़ी अच्छा है ये भी, नो डाउट. ये जो है थोड़ा माइल्ड परफ्यूम है, उस टाइप का है, थोड़ा माइल्ड उसमें आ जाता है. एंड इसको जो है अप्लाई करने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा एम्पावरिंग फील होता है, और बहुत ही मतलब ऐसे होता है कि हाँ यार क्या, मतलब बहुत अच्छी चीज़ लगा ली. और मतलब इसकी भी ना थोड़ी बहुत केक जैसी वो है, नहीं केक नहीं, जैसे डोनट्स होते हैं ना, डोनट्स की ये टीम डबल हो गया, उसकी जैसी खुशबू है इसकी. और किस किस चीज़ से मैंने, मतलब डोनट केक ये इन सब चीज़ों से मैं रिलेट कर रही हूँ, बट इसकी मेरे को डोनट्स जैसी ये फ्रेगनेंस लगती है. और इसका मैं आपको प्राइस बता दूँ, प्राइस इसका जो है नायका पे है वो 13,000 समथिंग है. तो मैंने भी इतने ही कुछ में परचेज करा था. ये नायका में ऑफ चलता है जैसे, तब आप चेक कर सकते हो, बट मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने हाँ मतलब ज़्यादा उसमें ले लिया, क्योंकि मेरे से वेट नहीं हो रहा था, सो दैट्स वाई. एंड इसकी जो बॉटल है वो है 100 ml की, तो इतनी ही बॉटल आती है इसकी, सो येस. एंड इसका भी नायका का भी मैं आपको लिंक दे दूँगी, आपको ये आई गेस नायका पे ही मिलेगा अमेजोन मिंत्रा में, तो आई डोंट थिंक सो, उसमें मैंने चेक भी नहीं करा, सो येस. अगला है ये परफ्यूम, एंड ये जो है रिफ्स का है, एंड दिस इज ला फेमी ब्लूम. यार मैं से नेम भी नहीं पढ़ा जा रहा, क्या हो गया मुझे. इसका नेम है गाइस ला फेमी ब्लूम, ओके. एंड ये जो परफ्यूम है इसकी भी मतलब काफ़ी क्यूट पैकेजिंग है, काफ़ी क्यूट बॉटल है. एंड ये जो है मुझे कोलैबोरेशन में आई थी, तो इनके साथ मेरा कोलैबोरेशन था, तो बस वही फिर कंटेंट वगैरह बनाना था, तो बस वही सब. एंड इसकी जो है ये बॉटल है वो 100 ml की है, तो मैंने इसका प्राइस चेक करा था, ये था समथिंग 6,000 के अराउंड. और इसका भी जो है फ्रूटी इसका सेंट है, और फ्लोरल भी. एंड मतलब बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव है, और मतलब बहुत रोमांटिक सा. एंड इससे ना मस्क सी मस्क सॉरी
मस्क की वो आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है लाइक खुशबू, उसकी खुशबू है इसकी, और जैस्मिन, रेस्पबेरी और पियोनी एंड यही सब, एंड इन सब की खुशबू है इसमें, और मतलब काफ़ी प्यारी खुशबू है इसकी, मतलब मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एंड मोस्टली ये जो परफ्यूम है ना, आप स्प्रिंग में, समर्स में, दीज डेज आप मतलब इन दिनों में आप यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है ये, और डेली भी यूज़ कर सकते हो, डे टाइम में आप यूज़ करो तो वो ये बेस्ट रहेगा। मैंने अभी तक ज़्यादा यूज़ नहीं किया इसको, बस मैंने 2-3 बार ही यूज़ करा है, तो फिर भी ये बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ, और बिल्कुल हल्का सा कम स्प्रे मैंने करा था, तो ज़्यादा मैंने यूज़ करा नहीं है, एंड ये भी मुझे काफ़ी सही लगा, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, और करंट फेवरेट बोल सकते हो आप, एंड यस, इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ परफ्यूम। अगला परफ्यूम जो है मेरे पास ये है देखा मेरे से बोला नहीं जा रहा है यार, ये है कार्टन लंदन का, एंड जैसे मैंने बताया था ये कोलैबोरेशन में आया था उस मिस्ट के साथ, बट जो है मतलब मैं अपना ट्रू रिव्यू दूं अगर इसके लिए, तो मुझे जो है मतलब दोनों ही, वो ना मेरे को मिस पसंद आया था इतना, ना ही मुझे ये परफ्यूम पसंद आया, तो मतलब इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, बट अच्छा है बट मेरे मन को नहीं भाया ये परफ्यूम बट चलो क्या कर सकते हैं। एंड मतलब ये ना बहुत ही ज़्यादा थोड़ा इसका ना स्ट्रॉन्ग सा है, मतलब ऐसे सर दर्द होने वाला, इसको मतलब इसको सूंघो ना ऐसे सर दर्द होने लगेगा। है तो ये रिफ्रेशिंग, वैसे इन जनरल मैं अगर इसका मतलब बताऊं तो थोड़ा बहुत रिफ्रेशिंग है, और मतलब ये भी थोड़ा बहुत ऐसे सेडक्टिव सा है, और मतलब थोड़ा सोफिस्टिकेटेड सा है, बट स्टिल मुझे मतलब इतना नहीं पसंद आया ये, आई डोंट नो वाई, बट मे बी क्या पता अगर आप ट्राई करो आपको पसंद आ जाए, ना भी आए मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकती। मतलब मैं इस चीज़ को लेकर इतना वो श्योर नहीं हूँ कि हाँ आपको पसंद आएगा नहीं आएगा, सो इट्स अप टू यू अगर इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट और नॉट। एंड इसमें इससे ना थोड़ी बहुत मतलब ग्रेप्स की, ऑरेंज की, लाइक मतलब ऐसे ब्लैक करंट की, इसकी मतलब खुशबू आ रही है, और ऐसे भी ठीक है अगर आपको नॉर्मली मतलब ऐसे अप्लाई करना है तो हर सीजन में आप इसको अप्लाई कर सकते हो कभी भी, चाहे मतलब स्प्रिंग हो गया या फिर समर हो गया, ऑटम हो गया, विंटर हो गया, कभी भी यू कैन अप्लाई अगर आपको अच्छा लगा तो। मुझे नहीं पसंद आया तो बस ये ऐसा का ऐसा ही पड़ा है, बस मैं इसको एज ए रूम फ्रेशनर यूज़ करती हूँ, सॉरी बट मैं इसको ऐसे रूम फ्रेशनर ही यूज़ करती हूँ, बट फिर कभी कभी बिल्कुल ऐसे हो जाता है ना कि हाँ कुछ नहीं मिल रहा तो ये स्प्रे कर दिया, तो ऐसा वाला सीन है इसके साथ। एंड काफ़ी मैंने बताया स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली ये लॉन्ग लास्टिंग भी होगा, लॉन्ग लास्टिंग तो बहुत है भाई, सही बता रही हूँ, अगर लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम चाहिए तो ये सही रहेगा। इसका मैंने प्राइस चेक करा था मिंत्रा में, तो इसका प्राइस है समथिंग 1200 के आसपास, बट सीरियसली मुझे वर्थ नहीं लगा 1200 रुपये इस परफ्यूम के देने, तो बस मुझे था, मेरा फर्ज था आपको प्राइस बताना इसका, तो मैंने बता दिया। एंड येस, इसकी भी जो वो बॉटल है वो 100 ml की है, बट इतना बहुत ज़्यादा बुराई भी नहीं करनी इस परफ्यूम की यार, इसकी बॉटल क्यूट है, बॉटल प्यारी है इसकी, सुंदर सी। सो नाउ कम्स माई मोस्ट फेवरेट, मतलब सबसे ज़्यादा फेवरेट, लाइक बर्बरी से नहीं, बर्बरी तो वो अपनी जगह पे है, डियोर भी अपनी जगह में है, बट थोड़ी अफोर्डेबल रेंज में जो मेरे पास परफ्यूम है, तो अभी मैं आपको वो दिखा रही हूँ जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लाइक ये रहा, दिस इज़ द परफ्यूम एंड द नेम ऑफ द परफ्यूम इज डेजल अरोरा, एंड ये जो है मिनीसू से मैंने बाय करा था, एंड देख सकते हो कि मतलब इतना ऑलमोस्ट इतना यूज़ कर लिया है मैंने ये, मैं इसको मतलब 7वीं 8वीं बार रीस्टॉक कर चुकी हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ये परफ्यूम, मतलब इसके लिए तो मेरे पास ऐसे होगा कि अभी वर्ड्स ख़त्म नहीं होंगे कि इतना बेस्ट लगा मुझे ये।
मैंने इतना फेवरेट तो बोल ही दिया है इसको, तो आप तब तक ये करो इस परफ्यूम का प्राइस गेस करो तब तक, एंड फिर मैं आपको बताती हूँ लास्ट में इसका क्या प्राइस है। लाइक जैसे कि आपको पता होगा मिनीसू में काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में परफ्यूम्स मिलते हैं, लाइक सब कुछ ही वहाँ पे उनके पास अफोर्डेबल होता है। तो एंड तब तक मैं आपको इसका बताती हूँ, ये जो है 100 ml की इसकी जो है बॉटल है, और इसका जो है सेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सिडक्टिव है, एंड अगर किसी ने मतलब अप्लाई किया होगा वो आसपास होगा तो मतलब बंदा उसकी तरफ अट्रैक्ट होएगा फॉर श्योर। तो इतनी ज़्यादा इसकी मतलब स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस है, मतलब बहुत गंदी वाली स्ट्रॉन्ग नहीं, अच्छी वाली स्ट्रॉन्ग है। इसका जो फ्रेगनेंस है वो काफ़ी सटल सा है और काफ़ी मतलब समझ ही गए उन्हें आप तो, एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है ये क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, और यही मेरे पास इकलौता परफ्यूम है जो जिसका सबसे ज़्यादा स्टे है। लाइक ऑलमोस्ट इसका जो है 4-5 days जो है ये स्टे करता है कपड़ों में, एंड अगर आप एक बार वॉश भी कर लो या दो बार वॉश भी कर लो उसके बाद भी इसकी हल्की सी लाइट फ्रेगनेंस आती ही है, इसकी स्मेल रहती ही है इवन, मतलब यू वोंट बिलीव बट दैट्स ट्रू। इसलिए जो ये परफ्यूम है ये मेरा फेवरेट है, एंड इसमें जो है रोज एंड एप्पल का एसेंस है। और टॉकिंग अबाउट इट्स पैकेजिंग, दैट्स सुपर 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 क्यूट, एंड सबसे सुंदर पैकेजिंग है इसकी। और यस हाँ, मैंने आपको बोला था प्राइस गेस करने के लिए, तो मैं आपको इसका प्राइस बताती हूँ। दिस इज फॉर ओनली 560 rupees, एंड मतलब 560 तो क्या, अगर मेरे को ये 1000 rupees में भी मिलता ना तो भी मैं ये ले लेती, तो मुझे इसकी इतनी वर्थ लगती है। तो मतलब 560 कुछ भी नहीं है इस परफ्यूम के लिए, सो डेफिनेटली यू शुड चेक इट आउट। Amazon में भी जो है मिनीसू अवेलेबल है, तो मैं आपको Amazon का लिंक दे दूंगी, अदरवाइज यू कैन विजिट टू योर nearest स्टोर मिनीसू स्टोर, एंड वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, लाइक सुपर क्यूट। इसकी भी जो बॉटल है वो 100 ml की है, येस दैट्स इट। और अब बहुत मतलब और बोलने का मन कर रहा है, अब बस बहुत हो गया इसके बारे में, अब मैं नेक्स्ट की टुवर्ड्स मूव करती हूँ। सो यस, सो गाइज जो नेक्स्ट परफ्यूम है ये है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मिनीसू, एंड दिस इज कलरफुल वर्ल्ड, एंड ये भी जो है मैंने थोड़ा बहुत यूज़ किया है आप देख सकते हो, एंड ये भी मैंने रीस्टॉक किया है, ये मैं मतलब तीसरी चौथी बार रीस्टॉक कर चुकी हूँ कि मतलब इतना ज़्यादा मेरे को ये अच्छा लगता है। सॉरी ओपन नहीं हो रहा। सो टॉकिंग अबाउट इट्स बॉटल एंड पैकेजिंग, तो ये भी बहुत ज़्यादा क्यूट है, पिंकी पिंकी सी क्यूटी सी, एंड ये जो है 50 ml में है, और इसका प्राइस भी मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, सेम प्राइस में है दोनों, लाइक ये 60 rupees कम है, दिस इज़ फॉर 500 rupees, एंड Amazon में तो और भी मतलब कम प्राइस है इसका, दिस इज़ फॉर जस्ट 414 rupees, आप चेक कर सकते हो। इसका जो है वो इसका जो सेंट जो है ये भी मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्रूटी है एंड येट फ्लोरल, और काफ़ी मतलब फ्रेश सा लग रहा है, मतलब काफ़ी फ्रेश सा फील हो रहा है, एंड मतलब जब भी इसको अप्लाई करो ना काफ़ी रिफ्रेशिंग फील होता है, ट्रस्ट मी, एंड मतलब काफ़ी एनर्जेटिक सी वाइब आती है इसको अप्लाई करने पे। ऑल्सो इसमें जो है जैस्मिन मस्क वाइट फ्लावर्स और जो है वनीला का जो है एसेंस है इसमें, एंड मतलब बहुत ही ज़्यादा इसकी सूदिंग सी फ्रेगनेंस है, और काफ़ी ज़्यादा लाइट है ये, मतलब लाइट भी नहीं मतलब माइल्ड बोलूँगी मैं, मतलब हाँ माइल्ड परफ्यूम है ये, डेली आप इसको वेयर कर सकते हो। तो मैं तो इसको मतलब हर दिन मतलब
रोज यूज करती थी, जैसे जब जब भी मैं बाहर जाती थी तो मैं उसको मोस्टली मैं ये वाला और पहले वाला जो भी मिनिसू का मेरा परफ्यूम है वो यूज करती हूँ. एंड बाकी दूसरे परफ्यूम्स की तरफ तो मैं ज्यादा देखती नहीं, बस ओकेजनली. एंड यस, इसकी जो ना फ्रेगनेंस है वो भी लॉन्ग लास्टिंग है, लाइक एक दिन पूरा निकाल लेती है ये, तो मतलब आराम से एक दिन ये चल जाती है. तो यस, एंड ये भी मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है. दिस इज़ ऑल्सो माई फेवरेट. और आप भी इसको जो है अपने लिस्ट में, फेवरेट लिस्ट में ऐड कर सकते हो, और अगर आपको अच्छी लगी तो, और चेक कर सकते हो. So yes. And next perfume that I have is, and ये भी जो है मेरा favorite one है, and this is Celebrity Pore Femme, and this is from the brand InStyle. And ये जो है local brand है कोई, और ये perfume भी जब मेरी cousin दुबई से आई थी तो मुझे उसने gift करा है, तो जो वो Victoria's Secret वाला मिस था कोकोनट वाला, वो और ये दोनों जो है साथ में उसने मुझे गिफ्ट करा था. इसका जो सेंट है वो काफी ज्यादा मतलब सूदिंग है, बहुत ही ज्यादा प्लीजिंग है. एंड ये भी फ्रूटी और फ्लोरल है, एंड मतलब काफी ज्यादा आरोमेटिक सा है, मतलब काफ़ी मतलब इसको अप्लाई करने में ना काफ़ी मतलब अच्छा फील होता है, काफ़ी मज़ा आता है. एंड इसकी भी जो बॉटल की बात करूँ तो मैं, ये 100 ml की बॉटल है, और पैकेजिंग जो है इसकी सिंपल सी है, बॉटल सिंपल सी है बट प्यारी है, नो डाउट. दिस इज़ अ लाइट परफ्यूम, सो इस वजह से इसका जो स्टे है वो ज़्यादा नहीं, लाइक 4 to 5 hours तक है, लाइक आई गेस दैट्स सफिशियंट. एंड इसमें जो है रोज़, मेलन और ऑरेंज का जो है एसेंस है. ऑल्सो ये जो है बहुत ही, इसका जो फ्रेगनेंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लाइक मतलब इट्स वेरी यम, लाइक आई फील लाइक ईटिंग समटाइम्स, लाइक इफ़ यू विल ऑल्सो अप्लाई ना यू विल फील लाइक ईटिंग. हाँ, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा यम्मी है. सो द लास्ट परफ्यूम दैट आई हैव इज, मतलब वो तो इसमें तो इस परफ्यूम में मेरी जान बसती है, तो लेट मी शो यू. दिस इज द पैकेजिंग एंड दैट्स वेरी क्यूट, और बिल्कुल ये जो है पर्स जैसा है, लाइक छोटा सा क्यूट पर्स होता है ना वैसे वैसे इसकी पैकेजिंग है, और काफ़ी सुंदर बॉटल है. एंड दिस इज़ फ्रॉम मार्क्स जैकोब्स, एंड इस परफ्यूम का नाम सच बता रही हूँ मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगी, आप वहाँ पे पढ़ लो. लाइक अभी मैं पढ़ के अपनी बेइज्जती नहीं करना चाहती, सो चलो मैं पढ़ लेती हूँ. डिकेडेंस, मुझसे तो यही पढ़ा गया. सो दिस वॉज ऑल्सो गिफ्टेड बाय माई फ्रेंड, एंड यू माइट बी थिंकिंग कि हाँ सारे ही तो गिफ्ट किया हुआ है, तो येस. एंड मतलब इसकी जो मुझे पैकेजिंग है वो सबसे ज़्यादा क्यूट लगी, सबसे ज़्यादा लाइक. और ये जो है इस तरह से ओपन होता है, एंड ये तो बिल्कुल छोटू सा पर्स सा बन गया है ना. एंड इसका जो है, इसका जो सेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और लाइक स्ट्रॉन्ग है बट अच्छे वाला स्ट्रॉन्ग है. एंड इस बहुत काफ़ी ज़्यादा सेडक्टिव है, और काफ़ी ज़्यादा सेक्सी फ्रेगनेंस है इसकी, काफ़ी स्लटरी सा इसका फ्रेगनेंस है, एंड सेंशुअल वुड के जैसा. एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको मेरी शक्ल देख के पता चल ही रहा होगा कि हाँ मुझे कितनी ज़्यादा पसंद है. सो इसका मैंने प्राइस चेक करा था इंटरनेट में, तो आई गेस 8 to 9,000 मे बी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. अब मेरे को, मैं इस चीज़ के लिए श्योर नहीं हूँ कि हाँ इसका प्राइस क्या है, बिकॉज दिस इज़ गिफ्टेड सो दैट्स वाई. बट मेरे को चेक करना पड़ा आपके लिए, तो जितना मेरे को पता चला तो बस ये था, बट मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए. सो येस, एंड
ये काफी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, सो दैट्स वाई इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड एक दिन आपका इसमें पूरा निकल जाता है आराम से एंड काफी ज्यादा और काफी जो है कॉन्फिडेंट फील करती हूँ मैं जब भी इसको अप्लाई करूँ। और मैंने ज़्यादा नहीं, बस 3-4 बार ही यूज़ करा है, फिर भी बस अभी ऐसा लग रहा है कि यूज़ हुआ नहीं है ये, बट बिल्कुल छोटे छोटे पम्प्स है ना, थोड़ा थोड़ा मैं यूज़ करा है मैंने इसको। और इसको तो मैं मतलब ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती कि हाँ मुझे ये हो रहा था कि अगर यूज़ कर करके ख़त्म हो गया तो दोबारा कैसे आएगा। ये मैंने मिंत्रा, अमेजोन, बाकी साइट्स में भी चेक करा था, वहाँ पे कहीं पे भी अवेलेबल है नहीं, तो मुझे था कि यूज़ कर करके ख़त्म हो गया तो फिर कहाँ से आएगा, सो इसलिए। और इस बॉटल को तो मैं, अगर ये ख़त्म भी हो जाए ना, फिर भी मैं इस बॉटल को संभाल कर रखूँगी, सजा कर रखूँगी एज अ शो, सॉरी सो एज अ शो पीस। इतनी सुंदर इसकी पैकेजिंग है, बॉटल है इसका, एंड यस दैट्स इट। और इसको करते हैं हम बंद। एंड जिस जिसका लिंक जो है, जिस जिस परफ्यूम का लिंक मेरे पास अवेलेबल होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ऑब्वियसली। एंड यस दैट्स इट फॉर माई टूडेज वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट। एंड अगर आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड येस स्टे ट्यून फॉर कमिंग व्लॉग्स एंड बाय बाय, सी यू सुपर सून।